हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड ऑन स्टॉक्स एंड जस्ट टॉक अबाउट नाइका। यस, नाइका वही कंपनी जिसको अभी स्टॉक मार्केट में नई फ्रेश एंट्री मिली है, लेकिन एंट्री मिलने के साथ ही इस कंपनी ने धूम मचा दी। 10 तारीख को एक कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई है। 1175 रुपए का इसका इश्यू प्राइस था। पहले ही दिन लिस्ट होते ही इसने 100% की रिटर्न उन शेयर धारकों को, इन शेयर होल्डर्स को दे दिए जिनको लिस्टिंग में अलॉटमेंट मिला था। दूसरी बात कि लिस्टिंग वाले डे ही इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,00,000 करोड़ को पार कर गई, 1,00,000 करोड़ पार कर गई थी। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि एक ऐसा स्टार्टअप जो मात्र हिंदुस्तान के अंदर प्रॉफिटेबल है। जी हाँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप सेगमेंट में अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बाकी जितने स्टार्टअप्स आप ले लीजिए, चाहे वो फिनटेक से रिलेटेड हो, चाहे किसी सर्विस एंड गुड्स से रिलेटेड हो, वो सब के सब लॉस में है। जितने भी बड़े बड़े आप ले लीजिए, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, ओला, इसके अलावा और भी जो भी है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सब लॉस के अंदर चल रहे हैं। लेकिन नाइका इस टाइप के बेसिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है कि इनको प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट अभी तक हो रहा है, ये कंडीशन इस वक्त की है। एंड इसने बहुत जबरदस्त एंट्री मारी। देखिए, स्टॉक मार्केट में ओवर सब्सक्रिप्शन भी 82% से ज्यादा का हुआ था। अब यहां पर 3-4 दिन ही हुए इसको लिस्ट हुए, लेकिन यहां पर स्टॉक प्राइस अब गिरने लगा है। अब लोगों के मन में डर यह है कि क्या उनको अब यहां से निकल जाना चाहिए, जो प्रॉफिट मिलने थे मिल गए, या फिर वो होल्ड करके चले। तो जाहिर सी बात है, देखिए मात्र 4 दिन इस स्टॉक को हुए हैं लिस्ट हुए, तो टेक्निकली तो यहां पर कोई बात बनती नहीं है कि चार्ट्स के ऊपर कुछ समझाया जाए या बताया जाए। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आपके सामने आएगी। हम लोग इसको सिर्फ फंडामेंटली क्रैक कर सकते हैं कि किस टाइप की वैल्यूएशंस है, किस टाइप की ग्रोथ है एंड क्या कुछ अभी कंपनी ने बेसिकली शो किया अपने रिजल्ट्स में। 10 तारीख को, 10th ऑफ नवंबर को ये लिस्ट हुई, 11th ऑफ नवंबर को इसके रिजल्ट्स आए थे Q2 के। वहां से हम लोग पता करते हैं कि एक्चुअली में इस कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। उससे ठीक पहले जरा अभी के स्टैट्स ले लेते हैं। देखिए, आज 15 तारीख है, 15 नवंबर, इस वक्त अगर आप देखें 5% के आसपास ये स्टॉक नीचे है। एंड यहां अगर हम देखेंगे क्या इसके हाई है, क्या इसके लो है, तो ये एग्जैक्टली आप देख पाएंगे 2410 रुपीज के आसपास इसके हाई हैं जो 12 नवंबर को इसने लगाए थे, यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन वाले दिन। एंड 2000 रुपीज के इसके 52 वीक लो हैं जो इसने लगाए थे 10th ऑफ नवंबर को, यानी कि जिस दिन ये इशू लिस्ट हुआ था, जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हुई थी। ये डेटा यहां से आपके सामने आ रहा है। इसके बाद में अगर अभी की फिलहाल की कंडीशन अगर आप देखेंगे डिलीवरी बाय सिक्योरिटी पोजिशन, तो तकरीबन 37% के आसपास यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। बट ये सब्जेक्ट टू टाइम है कि मार्केट क्लोज होते होते किस टाइप की पोजीशंस देखने को मिलती हैं। अब देखिए, आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे प्रोमोटर ग्रुप के पास में क्या कुछ है, प्रोमोटर ग्रुप के पास में तकरीबन 53% यहां पर है एंड जनरल पब्लिक के पास में 47.44% है। ये डेटा इनका निकल के आ रहा है अब लिस्ट होने के बाद में। एंड अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं इनके रिजल्ट्स जो इन्होंने बेसिकली पोस्ट करे हैं 11th ऑफ नवंबर को। यहां अगर आप देखेंगे क्लियरली, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस कंपनी का जो भी प्राइस है वो लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। यहां आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सारी की सारी मिलियंस में दी गई है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, सितंबर 2021 में ये बात कर रहे हैं, तो 885 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है, जबकि सितंबर मंथ में, सितंबर 2020 की बात करें, तो 603 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू था। तो ईयर ऑन ईयर पे रेवेन्यू ग्रोथ 47% की आपके सामने दिखाई दे रही है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बात करेंगे जून क्वार्टर से, तो जून क्वार्टर में 817 करोड़ का रेवेन्यू था, तो वहां से केवल 8% की ग्रोथ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% की ग्रोथ आ रही है, ईयर ऑन ईयर 47% की ग्रोथ आ रही है। अब अगर आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो वो कॉस्ट होती है जब कंपनी एक्सपेंड करती है, कंपनी को अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पिछले एक साल में कंपनी ने अपने खर्चे को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। 350 करोड़ के आसपास का इनका इस क्वार्टर का खर्चा है सितंबर 2021 का, जबकि अगर सितंबर 2020 की बात करें तो वही खर्चा केवल 182 करोड़ का था, 182 करोड़ का। तो यहां से और यहां पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो एक नेगेटिव चीज है, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ इसके प्रॉफिट में इंपैक्ट आता हुआ जरूर दिखाई दिया होगा। तो ऑपरेटिंग वाई ऑन वाई अगर आप देखेंगे 92% की ग्रोथ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 15% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है।
तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये एक्चुअली प्रॉफिट्स को किल कर देता है, आपकी कंपनी के प्रॉफिट को किल कर देता है। एंड यही चीज हमें यहां पर देखने को मिली है कि एबिटा मात्र 28.8 करोड़ रह गया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 55 करोड़ का था। ये देखिए ऑलमोस्ट यहां पर 50% की डीग्रोथ देखने को मिली है, निगेटिव चली गई है। एंड पिछले साल जून क्वार्टर, इसी साल जून क्वार्टर की बात करें यानी कि Q1 की अगर आप बात करेंगे तो Q1 में 26.9 करोड़ था। इट मींस कि 150% की डीग्रोथ, 154% की डीग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। ये आई थिंक कुछ गलत डेटा है, 154% तो नहीं होनी चाहिए। 27 करोड़ से 29 करोड़ अगर इनका एबिटा हुआ है तो 154% की बेसिकली डीग्रोथ कैसे हुई, ये कुछ डेटा गलत है। एनीवेज देखिए यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 26.9 यानी कि 27 करोड़ से, और ये बेसिकली मामूली से इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 29 करोड़ के आसपास ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब जो बात आती है देखिए, वो आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, यानी कि पैट की हम लोग बात करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखिए केवल 1.2 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट है इस क्वार्टर के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर जो करंट अभी क्वार्टर एंड हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये वो बात है जो बेसिकली आप शेयर होल्डर्स को सही नहीं लग रही है, इसलिए यहां पर बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। जबकि अगर आप देखें जून क्वार्टर के अंदर 3.5 साढ़े तीन करोड़ का प्रॉफिट था, साढ़े तीन करोड़ के प्रॉफिट से 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, 27 करोड़ के प्रॉफिट से 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, यही है वो कारण जिसकी वजह से आपको इसकी स्टॉक प्राइस में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है पिछले दो दिन से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये चीज समझने की है कि आप क्या आपको यहां पर अभी वेट करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, या फिर आपको यहां से अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। देखिए मार्केट की अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से जाएंगे तो इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप देखेंगे क्लियरली यहां पर क्या लिख रहे हैं, कंपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जीएमवी ग्रू बाय 38% ईयर ऑन ईयर टू रीच एट 11,859 मिलियन, फैशन जीएमवी ग्रू बाय 215% ईयर ऑन ईयर टू रीच एट 4,370 मिलियन, यानी के यहां पर 215% का वैल्यूएशन के अंदर ग्रोथ है, क्रॉस मार्केट वैल्यूएशन 215% की ग्रोथ के साथ में। एंड अगर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें तो वहां पर 38% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मैं समझता हूं कि देखिए वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इसलिए प्राइस जो फेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा नीचे होना चाहिए स्टॉक का। एंड जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अगर इस कंपनी को एक्सपेंड करना है तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट इनको आ रही है जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट यहां पर बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एंड फिलहाल कुछ टाइम के लिए हो सकता है इनका प्रॉफिट जो है निगेटिव में भी आता हुआ दिखाई दे जाए। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए एक ही दिन में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं, अगर आपको लिस्टिंग गेन हुए थे तो आपको फिलहाल के लिए इस स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए, ऐसी सिचुएशन यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट आपको लेके एंड फर्दर जब इस स्टॉक के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे कि ये स्टॉक जो है वापस से बाउंस बैक हो ऊपर की तरफ, तब आपको पोजीशन बनानी चाहिए। बेस्ट टू ऑफ माय नॉलेज मैं ये समझता हूं कि इसने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर यानी कि 12 नवंबर को जो गेन हासिल करे थे वो काफी अच्छे गेन हासिल करे थे, लेकिन इंट्राडे में नीचे भी स्लिप हो गया था। एंड अभी जो 5% की गिरावट दिख रही है वो एक से दो दिन और जारी रह सकती है, उसके बाद इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। तो 1125 का स्टॉक आपके लिए अगर बेसिकली 2400 रुपए का हो जाता है तो आपको एक बार के लिए तो लिस्टिंग गेन यहां पर लेने ही चाहिए थे, प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। जब इस स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी फर्दर तब ये बेसिकली दोबारा लेने लायक की कैटेगरी में आता हुआ दिखाई देगा। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे ऐसा लगता है यहां से आपको एग्जिट फिलहाल के लिए करनी चाहिए, एंड इसके अंदर री एंट्री बनेगी जब ये कुछ प्राइस स्ट्रक्चर दिखा देगा, टेक्निकली कुछ इसके अंदर बोलने के लिए रहेगा हमारे पास में कि हाँ यहां पर इसका आर सही है, यहां पर इसका प्राइस स्ट्रक्चर है, इस टाइप का प्राइस एक्शन ये बना रहा है। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन देखिए निकल के आ रही है नाइका के स्टॉक में से। अगर आप ओवरऑल बात करें, अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म की, तो डेफिनेटली फिर आप देखिए यहां पर बने रह सकते हैं। फ्यूचर में तो डेफिनेट सी बात है, जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, 47% की रेवेन्यू ग्रोथ है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़े रेवेन्यूज हासिल करेगी। एंड यहां पर फैशन इंडस्ट्री जो है अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर दिन हर क्वार्टर बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपको नाइका की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, नाइका के रेवेन्यू के अंदर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आप इसके अंदर बने रह सकते हैं, फ्रेश एंट्री अभी तो नहीं लेनी चाहिए ना लॉन्ग टर्म के लिए ना ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए प्रॉफिट लेने के लिए इसके अंदर आईपीओ में फाइल किया था, तो डेफिनेटली आप यहां से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप ये व्यू आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल देखिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।